आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मजीद साहब, जो हमें बताएंगे सेकंड बीएम के टूर्नामेंट के बारे में। स्टार्ट से लेकर अभी तक क्राउड भी बहुत ज्यादा आया है, और ये जो राणा शकूर साहब की और इजाज फरूक साहब की एफर्ट है, और राणा इस ग्रुप ने इसमें बहुत अच्छे अंदाज में पार्टिसिपेट किया है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। राणा अनीस ग्रुप जो कि हमेशा उनके सारे साथी राणा शकूर साहब, एजाज फारूक साहब, हमारे जो एक्स सेक्रेटरी फैसलाबाद क्रिकेट एसोसिएशन है, उन्होंने हमेशा जब भी टूर्नामेंट करवाया विदाउट फीस करवाया, विदाउट एनी एंट्री फीस, और कभी गेंद के पैसे नहीं लिए। ये बहुत बड़ा उनकी एफर्ट है, और ये टूर्नामेंट खासकर राणा शकूर साहब और एजाज फारूक साहब का बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने फैसलाबाद को इतनी बड़ी क्रिकेट दी कि जैसा कि हम फैसलाबाद वाले तस्वर भी नहीं कर सकते थे। अब देखिए, एक पीएसएल के बाद दूसरा पीएसएल शुरू हुआ है फैसलाबाद में, बाहर के प्लेयर्स भी आके खेल रहे हैं, हमारे प्लेयर भी मोटिवेट हो रहे हैं, क्या कहेंगे? इससे फैसलाबाद की क्रिकेट और बढ़ेगी, और बोड़ो वाली ग्राउंड में जो फ्लड लाइट टूर्नामेंट हो रहा है और ये बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? हमारे प्लेयर्स से क्या सीखेंगे? इसमें यह था कि ये जो पूरा सीज़न था, इसमें कह दें ट्रॉफी का फैसलाबाद को कोई मैच ना दिया गया, जो कि बहुत बड़ी ज्यादती है बोर्ड की हमारे साथ फैसलाबाद में, ना हमें पीएसएल का मैच दिया गया। और अल्लाह का शुक्र है कि और इन लोगों दोनों और हमारे ग्रुप राणा अनीस ग्रुप की बहुत बड़ी काविश है, राणा शकूर साहब और एजाज फरूक साहब को, उन्होंने फैसलाबाद को जूनियर पीएसएल समझ लें कि हमें फैसलाबाद को ये दिया, जो कि आप फैसलाबाद के लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे। तो थैंक यू वेरी मच एजाज फरूक साहब एंड राणा शकूर साहब और राणा अनीस ग्रुप की तरफ को मैं बकायदा इसका बुरा खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने इसमें काविश की और यह टूर्नामेंट मुनक्कद हुआ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पर आने का और हमें अपने राय से मुस्तफीद करने का।